हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे. और आज हम प्लेन का सेकंड वीडियो लेक्चर चेकआउट करते हैं. तो लास्ट वीडियो में आपने प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन क्या होता है उसका डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन और जनरल इक्वेशंस के मैंने बारे में बात की थी. देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. दुनिया का कोई भी प्लेन होगा उसका जनरल इक्वेशन दो फॉर्म में मैंने लिख दिया. एक तो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये बन गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में. और इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म. तो दुनिया का कोई भी प्लेन होगा ना तो उसका इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा. ठीक है, अब आपको ये भी बात समझ में आएगी कि अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में जो, अब ये बात तो मालूम हो गया कि एवरी प्लेन को नॉर्मल होता है. ये नॉर्मल है. नॉर्मल क्या होता है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. तो अगर इस प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है तो इसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए अलोंग एक्स एक्सिस होगा, बी अलोंग वाई एक्सिस होगा और सी अलोंग जेड एक्सिस होगा. करेक्ट है, इतनी बातें आपको मालूम हो गई. अब आपको इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी विच इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड. ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन. ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन तो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड है. प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक चीज को जरूर ध्यान रखना, प्रोवाइडेड एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन जीरो. ये नॉन जीरो होना चाहिए, कोई एक तो भी नॉन जीरो होना चाहिए. करेक्ट है, ए अगर जीरो है, बी जीरो है तो सी नॉन जीरो होना चाहिए, बी जीरो है, सी जीरो है तो ए नॉन जीरो होना चाहिए, लाइक दैट. करेक्ट है, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है और इस अपना फर्स्ट डिग्री इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. और इस पर प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमको प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता ना बोर्ड में ना इसी में, बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलना. वैसे प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा आपको डेफिनेशन प्लेन का था, मैं वर्बली बता देता हूँ. प्लेन का डेफिनेशन क्या है कि कोई सरफेस प्लेन कब रिप्रेजेंट करता है, कि सरफेस में कोई दो पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट्स पी जिसके भी कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है और क्यू जिसके भी कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो ये सरफेस में लाई कर रहा है और ये सरफेस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जब इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो कम्प्लीटली इस प्लेन में लाई कर रही है. अब कम्प्लीटली इस प्लेन में लाई कर रही है, इसको हमको कैसे दिखाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्बिट्री पॉइंट्स ले लेंगे. इस आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं. करेक्ट है, क्योंकि ये अगर आर इस लाइन पे लाई कर रहा है जो लाइन P और Q को जोड़ने से मिल रही है, इसका ये मतलब हो गया कि R के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूले से निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस R विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q इन सम रेशो, लेट दैट रेशो इज K इज टू 1, सो आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ R X. X के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे K X 2 प्लस X 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1, लाइक दैट Y कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं के वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, और लाइक दैट जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते के जेड टू प्लस जेड वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन. ठीक है, अब अगर ये आर के कोऑर्डिनेट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप किए, वाई की वैल्यू पुटअप किए, जेड की वैल्यू पुटअप किए और इस इक्वेशन को सॉल्व किए, अगर वो जीरो देता है तब तो हम बोलेंगे कि आर भी इस सरफेस में लाई कर रहा है, मतलब आर एक आर्बिट्री पॉइंट्स है, मतलब इस लाइन में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए ये प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है.
प्रूफ बहुत आसान है, क्योंकि ये पॉइंट पी अगर इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्यों भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। उनके बेस पे मैं आर के कोऑर्डिनेट को ये चेकआउट करूंगा कि ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्बली आपने इसको जो समझा वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे हमको जो काम करेगा कि इक्वेशन प्लेन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है ये मालूम होना चाहिए, उससे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जनरल प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है, जिसमें कि नॉर्मल होता है और उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए बी एंड सी है, ये इसका वेक्टर फॉर्म। बात हो गई क्लियर? फाइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशंस है, आपने देखा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो या वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो देखा था हमने, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स देखे थे। तो वो इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, इसी के तो फॉर्म में। तो दुनिया का कोई भी प्लेन होगा उसका इक्वेशन इस प्रकार का दिखेगा, इस फॉर्म में होगा। मतलब ये जनरल इक्वेशन किस कंडीशन में एक्स वाई प्लेन के इक्वेशन में आ जाएगा, ये जनरल इक्वेशन किस कंडीशन में वाई जेड प्लेन के इक्वेशन में आएगा, उसको हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस कंडीशन में जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये कंडीशन ही आपके प्रॉब्लम्स बन जाते हैं डेली मेंस में, करेक्ट है? फाइन, तो आपको ये तो मालूम हो गया कि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन को बना लीजिए, ठीक है साहब। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको मालूम है। और ये जो पूरा प्लेन होता है इस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, करेक्ट है। और इस प्लेन का इक्वेशन आपने देखा था जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा और ये इसका नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये हमने लास्ट टाइम तक देखा था। तो अब आप इसके इक्वेशन को देखिए, अब हमारा मेन कंडीशन है इक्वेशन। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो बिल्कुल इसके जैसे दिख रहा है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, जहां पर सिर्फ जेड इक्वल टू जीरो है। जेड इक्वल टू जीरो है तो वर्बली यहां से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ए जीरो होना चाहिए, यहां से ये पता चलता है ए जीरो होना चाहिए, यहां से ये पता चलता है बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको जेड इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट करना है। यहां से ये पता चलता है कि डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए और यहां से ये पता चलता है कि सी जीरो नहीं होना चाहिए, सी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैंने शुरू में बोला था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड एनी एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी शुड बी नॉन जीरो। तो आपने देखा सी नॉन जीरो है, अगर सी जीरो हो जाता तो ये पूरा जीरो में विलीन हो जाता, तो जेड इक्वल टू जीरो कहाँ से मिलता, क्योंकि सी जीरो नहीं है, ये सब जीरो है, मतलब सी जेड इक्वल टू जीरो आएगा और सी जेड इक्वल टू जीरो से मुझे जेड इक्वल टू जीरो बाई सी आएगा और जेड इक्वल टू जीरो बाई सी से ये डिफाइंड तभी होगा जब सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये जेड इक्वल टू जीरो मिलेगा, करेक्ट, क्लियर, सीधी सी बात है। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको दूसरे सेंस में निकाल लिया कि एक कंडीशन है एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट लाई करता है उसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। तो ये कॉमन कंडीशन है सभी पॉइंट्स के लिए जो जेड एक्स एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो वही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया जेड इक्वल टू जीरो। लेकिन अब मैं दूसरे सेंस में बताता हूँ, दूसरे सेंस में कैसे इस कंडीशंस को मैं दूसरे सेंस में कैसे निकालूंगा उसको भी बता रहा हूँ। तो फाइन, अब एक तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ये जो एक्स वाई प्लेन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है कि नहीं, एक्स वाई प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है और मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ किसकी, इसकी कंडीशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो ये कब आपका एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, किस कंडीशन में, ये कंडीशंस को मैं निकाल रहा हूँ। कंडीशन आपको पता चल गई, क्या पता चली बोलो, ए मस्ट बी जीरो होना चाहिए, बी मस्ट बी जीरो होना चाहिए, सी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए और डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इतनी कंडीशंस। और ये मैंने सिर्फ अपने जो विजुअलाइजेशन है ना ऑब्जर्वेशन से ही निकाला, कि चूंकि इसका इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो आता है,
करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्जेब्रिकली इन कंडीशंस को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्जेब्रिकली कैसे निकालूंगा कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है ये प्लेन, करेक्ट है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो फिर ये ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे ये मिल गया कि डी 0 होना चाहिए, ये कंडीशन आ चुकी है, करेक्ट। अब मैं अल्जेब्रिकली ये कंडीशन मैंने सिर्फ विजुअलाइजेशन से निकाल लिया था, देखने से, क्योंकि मुझे मालूम है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0 है, वो भी मैं इसीलिए क्योंकि एक कॉमन कंडीशन है कि कोई भी पॉइंट उस प्लेन में अगर लाई करते हैं तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, सो देयर फॉर दिस जेड इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटिंग दी एक्स वाई प्लेन इक्वेशन, करेक्ट है। अब ये कंडीशन भी मैंने निकाले कि किस कंडीशन में ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 आपका एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कंडीशंस आ गई। तो यहाँ पे मैं अब अल्जेब्रिकली प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये हो गया। अब ये एक्स एक्सिस भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में प्लेन एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा ना उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स वेरी करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर इट इज में। तो अब मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया 1,0, तो ये एक्स एक्सिस पे है मतलब एक्स वाई प्लेन पे है, तो अब इसको वो भी सेटिस्फाइड करेगा, ए इंटू 1, बी इंटू 0, सी इंटू 0, ऑलरेडी डी 0 आ चुका है, तो यहाँ से मुझे ए इक्वल टू 0 भी मिल जाएगा, करेक्ट है। वैसे ही y एक्सिस भी तो इस प्लेन में है, तो y एक्सिस का कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक दैट ये होगा, ये भी इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा, तो मुझे b इक्वल टू 0 आ जाएगा। फाइनली मैं सी जेड इक्वल टू 0 में आ जाऊंगा, तो इसका ये मतलब जाएगा सी 0 नहीं होना चाहिए, अगर सी 0 नहीं है तभी मुझे z इक्वल टू 0 मिलेगा। तो देखो मैंने ये अलजेब्रिकली भी निकाल लिया, अलजेब्रिकली भी ये कंडीशन को निकाल लिया, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट करने की कंडीशंस आपको पता चल गई है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ये किस कंडीशन में एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही मैं वाई जेड प्लेन के लिए कंडीशन निकाल लूंगा और जेड एक्स प्लेन के लिए कंडीशन निकाल लूंगा। तो रिप्रेजेंट करते क्या बात कर लेते हैं हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये प्लेन जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन को कब रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटिंग लिखो, रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई प्लेन। अब पहले एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन मालूम हो जाए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जेड इक्वल टू 0। तो नंबर वन, जेड इक्वल टू 0 मतलब ए 0 होना चाहिए, नंबर टू बी 0 होना चाहिए, जेड इक्वल टू 0 मतलब सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नंबर फोर डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई प्लेन हो गया, चलिए वाई जेड प्लेन ले रहे थे, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल टू 0 है मतलब कंडीशन क्या होगी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, तीसरा सी इक्वल टू 0, और चौथा डी इक्वल टू 0। बड़बड़ी निकल रही है, रिप्रेजेंटिंग एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन बोलो y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 होने के लिए आपकी जो कंडीशंस होगी वो ये होगी, पहले a 0 होना चाहिए, दूसरा b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी y इक्वल टू 0 आएगा, c इक्वल टू 0, और चौथा d इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस आपको मालूम होना चाहिए, बस इसी कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा कितना आसान है और कितने आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन मालूम है तो, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक, और ये कंडीशन, बस इतना सा काम आपको करना था, करेक्ट है, और ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ कि आपने देखा कि ये जितने भी कोऑर्डिनेट प्लेन है सब ओरिजिन से पास हुए, तो अब आप यहां से इस चीज को देखिए कि ये तो जनरल प्लेन हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सारा स्टडी मैंने बोला है कि प्लेन में हम जब भी बात करेंगे यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, इसी से वेक्टर फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटिंग प्लेन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बोलो 0,0,0 मतलब डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कैसे,
ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो प्लस डी इक्वल टू जीरो, फाइनली मुझे मिला डी इक्वल टू जीरो। तो जिस भी कर्व के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, जिस भी कर्व के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो कर्व का इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होता है, वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो सी जेड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, नो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स दिस प्लेन पासेस थ्रू, दिस प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, करेक्ट है। इसको और मैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोऑर्डिनेट प्लेन से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने देखा ये एक्स वाई प्लेन है और इसका इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो है, नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म ही हो गया टी जिसमें वेरिएबल नहीं होता, करेक्ट। यहाँ पे ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन देखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, नो कांस्टेंट टर्म। ये आपका एक्स जेड प्लेन है और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो, नो कांस्टेंट टर्म, कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो किसी भी कर्व में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होता है, करेक्ट है। और प्लेन के इक्वेशन में आ जाइए, ये जनरल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ से डी नदारद है, टी नहीं है, तो अब ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पर हमने ये देखा कि एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करने की कंडीशंस क्या है, वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या है और जेड एक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या है, ये जनरल प्लेन की, करेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ पैरेलल प्लेन की, हालांकि मैं पैरेलल प्लेन के ऊपर एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा अगर रहेगा तो शायद पैरेलल प्लेन के ऊपर रहेगा। अब आपने देखा कि ये जेड इक्वल टू जीरो, ये जेड इक्वल टू जीरो एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट अदर देन जीरो, मतलब z इक्वल टू टू, z इक्वल टू थ्री, z इक्वल टू माइनस थ्री, लाइक दैट, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि z इक्वल टू जीरो ये तो एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट है, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है। तो को जो कांस्टेंट प्लेन है ना, वो कांस्टेंट से डिफर करते, मैंने आपको बोला है कि पैरेलल प्लेन्स के ऊपर मेरा वीडियो रहेगा, सेपरेट लेक्चर्स रहेगा विद प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको अभी बता देता हूँ। तो वैसे ही स्टूडेंट्स, अब जैसे ये एक्स इक्वल टू जीरो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो, ये वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस टू, लाइक दैट अदर कॉन्स्टेंट्स है, तो ये प्लेन पैरेलल टू, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन आ गया, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, करेक्ट है, ओके। और सिमिलरली अगर आप देखें तो वाई इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू माइनस टू, लाइक दैट, ये ऐसे प्लेन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। अभी देखो आगे चीजें बढ़ती जा रही है, पहले तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा, फिर हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन देखा, फिर जनरल प्लेन का इक्वेशन किस कंडीशन में कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है उसको भी देखा, और मैं धीरे से अब कहाँ में आ गया, पैरेलल प्लेन्स में आ गया, करेक्ट, कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो ये वाई जेड प्लेन का इक्वेशन है, तो एक्स इक्वल टू टू किस प्लेन का इक्वेशन होगा, तो एक्स इक्वल टू टू उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, करेक्ट है। तो आपके लिए आज इतना है, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर पैरेलल प्लेन की कंडीशन या फिर प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसको लेके आता हूँ, करेक्ट है। आई होप दैट आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।